नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र खबर। मैं हूं आपके साथ आरती राय। खबर राजस्थान के बड़गांव की, जहां नारायणपुर बस स्टैंड से करीब 16 किलोमीटर दूर गांव की जनता एक अंडरपास या ओवरब्रिज चाहती है, लेकिन एनएचआई अनसुनी कर रहे हैं। मामला 18 गांव का है, जो आवाजाही आसान करने के लिए एक अंडरपास की मांग कर रहे हैं, लेकिन अंडरपास ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहां पहुंचने के लिए ग्रामीणों को सुविधा के बजाय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं गांव के लोग हाईवे क्रॉस करने के लिए एक किलोमीटर से ज्यादा गलत साइड चलने को मजबूर हैं, तो वहीं स्कूली बच्चे हाईवे को पार कर स्कूल जाते हैं, जिसके कारण अभिभावकों को हर समय उनकी जान की चिंता बनी रहती है। अभी छोटे कट से लोग वाहन क्रॉस करते हैं, वहीं बनाए गए अस्थाई कट से करीब 15 से ज्यादा हादसे हो चुके हैं और साथ ही कई लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं गांववासी अगले सप्ताह से अनसर पर बैठेंगे। इस दौरान ग्रामीण जिला कलेक्टर आनंदी एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुनील यादव से भी मिल चुके हैं। यहाँ पे बस स्टेशन पे, नारायणपुरा बस स्टेशन पे जो ओवरब्रिज बनता है, तो कितना फायदा नहीं होता। नहीं देखो, आप चार पांच गांव है कुछ अमुक, उन गांवों को बहुत सारा फायदा होता है और जनहानि होने से बचाएंगे। और यहाँ पे अगर ओवरब्रिज नहीं होता तो समस्या नहीं, महासमस्या उत्पन्न है यहाँ पर। और ओवरब्रिज बनाना पड़ेगा, और बनाएंगे तो अच्छी बात है। और जनसमस्या यहाँ तो बहुत सारी है। फर्स्ट में जिन समझा, यहाँ ब्रिज चाहिए, ब्रिज लोगों आने जाने के लिए बहुत समस्या खड़ी होती है। रोड क्रॉस के लिए इतनी समस्या खड़ी होती है, या आने जाने बुजुर्ग लोग बाइक वाले हमेशा आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। ये बोलिए, आप टोल एनएच वाले कहते हैं कि नहीं है ब्रिज, नहीं है तो यहाँ ब्रिज सेक्शन लागू करके यहाँ ब्रिज की बहुत सारी सख्त आवश्यकता है। इसका रिकॉर्ड भी आप चेक कर सकते हो, बोलिए एनएच ऑफिस के अंदर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इसका एक्सीडेंट का टोटल हादसों का टोटल रिकॉर्ड पड़ा है। एनएच वाले को हमने एप्लीकेशन भी लिख के दे दी और रिपोर्ट भी दे दी कि इतने सारे गांव पड़ते हैं, छापरी क्या खेड़ा, किशोर खेड़ा, वंडी तक गांव पड़ रहा है। और इधर इसे नावपुरा अमरे खेड़ा हरिया खेड़ी, और ये इतना ढलान, इतना हैवी ढलान है यहाँ पे, तो इसको गन्ने ही नहीं कह सकते, थाम ढलान, ढलान एकदम इतना क्रॉस पर ढलान है, तो बाइक वाले तो अगर हो सके तो अगर ब्रेक नहीं लगाए तो एक्सीडेंट पूरा तरह से होना संभव ही। जिम्मेदारी एनएचए वालों सीपी साहब की रहेगी, क्योंकि उनको नोटिस भेज दिया, उनको एप्लीकेशन भेज दी।